Good morning everyone. Continuing with our next topic that is perine policy conditions. कौन कौन सी कंडीशन है सबसे पहला है रिस्क क्लॉज ये कंडीशन सबसे पहले क्या है जब भी आप मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं उन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है रिस्क क्लॉज क्लॉज ये जो है इसमें जो भी रिस्क कवर्ड है अंडर पॉलिसी वो मैंशन किए जाते हैं वेरियस टाइप्स के रिस्क जैसे स्ट्राइक्स लॉकडाउट रॉइड सिविल कॉम्युनिकेशन टेररिज्म लीकेज हुक डैमेज ऑयल डैमेज थेफ क्लिफ रेज नॉन डिलीवरी फ्रेश वाटर वाटर डैमेज स्वेटिंग हीटिंग ब्रेकरेज सी पर्ल्स एक्सेट्रा ये कवर किए जा सकते हैं और जो रिस्क कवर किए जाते हैं अंडर दी पॉलिसी उन्हें पॉलिसी में लिखा जाएगा देन नेक्स्ट है आपका जर्नल एवरेज क्लॉज जो जो इंश्योरेंस है वो कवर करता है जर्नल एवरेज एंड स्लावेज चार्जेस और दीज आर सब्जेक्ट टू की जो भी एडजस्टेड हैं और डिटरमिन्ड होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफराइटमेंट एंड जो भी गवर्निंग लॉ और प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग और ये जो इंकर्ड होने चाहिए वो होने चाहिए टू अवॉइड या इन कनेक्शन विद अवॉइडेंस ऑफ लॉस फ्रॉम एनी रिस्क कवर्ड अंडर पॉलिसी नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एक्सक्लूजन क्लॉज ये जो कंडीशन है इसमें होता है कि लिस्ट ऑफ कॉसेस जो कवर नहीं होंगे अंडर दी पॉलिसी अगर क्लेम अर... अराइज हो रहा है ड्यू टू दो यहाँ पर मैंशन है तो जो आपका क्लेम है वो आपको पेबल नहीं होगा जो जर्नल क्लॉज है उसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं कोई भी विलफुल मिसकंडक्ट इम्प्रॉपर पैकिंग डिले ऑर्डनरी लीकेज एक्सेट्रा देन आता है ट्रांसिट क्लॉज ये जो कंडीशन है वो ये बताती है कि जो भी आपका इंश्योरेंस है वो स्टार्ट किस टाइम से हुआ था कब जो गुड्स हैं उसने वेयर हाउस को लीव किया प्लेस क्या है स्टोरेज की और कंटिन्यू कैसे रहेगा ड्यूरिंग दी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ ट्रांसिट टर्मिनेट कब होगा ऑन द डिलीवरी टू दी कंसाइनी और अदर फाइनल वेयरहाउस या फाइनल प्लेस ऑफ स्टोरेज तो जो ट्रांसिट क्लॉज है ये बेसिकली आपको बताता है कि किस टाइम से जो इंश्योरेंस है वो शुरू होगा कब कंटिन्यू रहेगा और वो कब इंश्योरेंस जो है वो टर्मिनेट होगा नेक्स्ट है आपका वेल्युएशन क्लॉज ये जो क्लॉज है इसमें जो भी वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर इन शॉर्ट की वो मेंशन की जाती है ये जो वैल्यू है ये एग्री करती है बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो क्लेम अमाउंट है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती देन नेक्स्ट है आपका प्रीमियम क्लॉज ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो रिस्क के लिए वो इस क्लॉज uh, के अंडर मेंशन किया जाता है वो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप पे कर रहे हो पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज जो इंश्योरर है वो रिस्क को एज्यूम नहीं करेगा एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम कोई भी क्लेम जो है वो पे नहीं किया जाएगा तो ये वर्क करता है एज अ प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर एंड इंश्योर्ड नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज वेवर वेवर क्लॉज क्लॉज अब इसका मतलब मतलब ये है है का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि किन किन चीजों के लिए छूट दी जाएगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मेजर्स एश्योर और इंश्योर है जो सेव करने के लिए वो लेंगे गुड्स या गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या रिकवर करने के लिए उन्हें आप वेव कर देंगे वो चीज यहाँ मैंशन नहीं होगी या उस चीज को आप यहाँ पर इम्प्लाइड uh, नहीं मानेंगे Then आता है आपका क्लॉज। ये जो क्लॉज है वो एक्सप्लेन करता है है कि जो इंश्योरर वो लाइबल होगा किसी भी लॉस के लिए जो अराइज हो रहा है ड्यू टू कोल्यूशन ऑफ शिप विद अनादर शिप उस सिचुएशन में जो फुल वैल्यू है लॉस की वो पे नहीं की जाएगी इंस्टेड एक फिक्स परसेंटेज जो है क्लेम का वो पे किया जाएगा है आपका कॉन्टिन्यूएशन क्लॉज। एस पर दिस क्लॉज जो इंश्योरेंस कवर है वो कॉन्टिन्यू रहता है वेसल का टिल दम्प्लीटेड इवन ऑफ़ टाइम। देन है आपका इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज। जो ये अगर जो इंश्योर्ड की मशीन है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू जो भी आपका कवर्ड पर्ल है डेंजर है तो जो सम पे किया जाएगा वो एक्सीड नहीं हो सकता किससे जो कॉस्ट है रिप्लेसमेंट की या रिपेयर करने की उस पार्ट को प्लस जो भी चार्जेस है फॉरवर्डिंग एंड रिफटिंग के देन नेक्स्ट है सी एंड लेबर क्लॉज ये जो क्लॉस है वो कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसने सभी करने हैं लॉस को मिनिमाइज करने के लिए और ये जो क्लॉस है वो अलाउ करता है इंश्योर्ड को कि वो रिकवर कर सकता है सभी रीजनेबल चार्जेस जो इसने इंकर किए हैं लॉस को मिनिमाइज करने के लिए देन नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लॉज ये जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जो इंश्योरर है वो लाइबल नहीं होगा फॉर दी लॉस और डैमेज जो डेमेज हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और फाइनेंशियल डिफॉल्ट ऑफ कंसाइनी तो ये थी हमारे क्लॉजिस कंडीशन मेराइन पॉलिसी के नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीमियम प्रीमियम के लिए वही चीज जो हम पहले भी कहते आए हैं कि जब तक आप एडवांस में प्रीमियम पे नहीं करोगे जो कंपनी है वो रिस्क आपका नहीं लेगी तो प्रीमियम क्या होता है प्रीमियम अमाउंट जो आप पे कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो रेफर करता है उस अमाउंट ऑफ मनी को जो इंश्योरेंस कंपनी को आप पे कर रहे हो जो भी रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज है उसे लेने के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो वेरी करता है विद अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड नेचर ऑफ रिस्क टाइप ऑफ पॉलिसी एंड राइडर्स एक्सेट्रा जो सेक्शन सिक्सटी फिफ्थ बी है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो कहता है कि कोई भी रिस्क आप एंज्यूम नहीं करोगे अनलेस जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में रिसीव हुआ है इट रिक्वायर्स कोई भी इंश्योरर इंश्योर नहीं करेगा रिस्क इंडिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस अनलेस और जो प्रीमियम है वो उसे रिसीव हुआ है देन नेक्स्ट है कि जिस डेट को आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है उससे पहले आप रिस्क कवर नहीं दे सकते देन जो भी रिफंड है प्रीमियम का अगर कैंसिलेशन आपने की है पॉलिसी या ऑल्ट्रेशन हुआ है पॉलिसी में जो भी रिफंड है प्रीमियम का वो डायरेक्टली जो इंश्योर्ड है उसे पे किया जाएगा बाय द इंश्योरर देन अगर कोई एजेंट कलेक्ट करता है प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर तो उसे वो डिपॉजिट करवाना होगा प्रीमियम इंश्योरर को विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स देन जो सेक्शन थर्टी थ्री है मेराइन इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री का वो क्या कहता है रिगार्डिंग प्रीमियम इज टू बी अरेन्ज अगर जो आपकी पॉलिसी है उसमें premium is to be arranged, जो है है वो मेंशन तो उसके बारे में वो क्या कहता है जहां पर आप इंश्योरेंस ले रहे हो और इंश्योरेंस आपने किस पे लिया है कि प्रीमियम टू बी अरेन्ज या नो अरेजमेंट इज मेड तो एक रीजनेबल प्रीमियम आप पे करोगे जहां पर आपका जो इंश्योरेंस है वो इफेक्ट हुआ है ऑन दी टर्म्स की एक जो एडिशनल प्रीमियम है वो अरेंज किया जाएगा किसी गिवन इवेंट में और वो जो इवेंट है वो हैपन हो जाता है लेकिन अरेंजमेंट नहीं की जाती है तो उस केस में भी एक रीजनेबल एडिशनल प्रीमियम जो है वो पेबल होगा देन आता है सेक्शन 54 ऑफ मेराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 वो क्या कहता है कि जो प्रीमियम होगा वो पेबल होगा और ये ड्यूटी है एश्योर की उसके एजेंट की कि वो प्रीमियम पे करे और ये ड्यूटी है इंश्योर uh, की कि वो इशू करेगा पॉलिसी एश्योर्ड या उसके एजेंट को तो कॉन्ट कंडीशन है और जो इंश्योर है वो बाउंड नहीं है पॉलिसी इशू करने के लिए जब तक उसे प्रीमियम पे नहीं हो जाता है देन नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो वेरियस प्रोविजन है रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ प्रीमियम वो क्या है सबसे पहला है इन्फोर्समेंट ऑफ रिटर्न सेक्शन 82 टू जहां पर जो प्रीमियम है वो डिक्लेयर uh, किया गया है टू बी रिटर्नेबल अंडर द एक्ट क्या है कि इट मे बी रिकवर्ड बाय द द फ्रॉम इंश्योरर इफ ऑलरेडी पेड कि जो इंश्योर्ड uh, है वो रिकवर कर सकता है प्रीमियम इंश्योरर से अगर उसने पहले से पे कर दिया है या फिर वो जो एश्योर्ड है जिस जो इंश्योरेंस ले रहा है वो उसे अपने पास रख सकता है अगर अनपेड है Then return by agreement section 83. अगर जो पॉलिसी है वो कंटेन करती है कि जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो रिटर्न की जाएगी ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट और वो इवेंट हो जाता है तो जो प्रीमियम है या जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है प्रीमियम का वो आपको एश्योर्ड को रिटर्न करना है देन रिटर्न फॉर फेलियर ऑफ कंसिड्रेशन सेक्शन एटी फोर ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो प्रीमियम है वो रिटर्न आपको करना पड़ेगा फॉर फेलियर ऑफ कंसिड्रेशन इसका मतलब जहां पर आ, कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है एश्योर के द्वारा और जो कंसीडरेशन है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम वो टोटली totally फेल हो जाती है मतलब कि जो इंश्योरर है वो रिस्क नहीं ले रहा है तो जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी को वापस करना पड़ेगा इंश्योर्ट को देन जहां पर जो आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो अपोश हो सकता है अप्रूव पोशन हो सकता है और जो कंसिडरेशन है किसी पार्ट की वो फेल हो जाती है तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है उतने पार्ट का जिसके लिए कंसिडरेशन फेल हुई है वो रिटर्न किया जाएगा एश्योर्ड को बाय इंश्योर देन आता है आपका कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं प्रीमियम की और प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड्स क्या हैं तीन तरीके के मैथड हैं पहला है जजमेंट रेटिंग दूसरा है क्लास रेटिंग और तीसरा है मैरिट रेटिंग सबसे पहले बात करते हैं जजमेंट रेटिंग की ये जो मैथड है आप यूज करते हो जहां पर आप पोटेंशियल लॉस को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इसीलिए जो अंडर है वो इवेलुएट करता है हर एक एक्सपोजर को इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ हिस पास्ट एक्सपीरियंस क्योंकि कोई भी स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो फैक्टर्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है 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 देन नेक्स्ट आपका क्लास रेटिंग ये जो मेथड आप यूज करते हो जहां पर जो फैक्टर्स है आप उन्हें कर सकते हो और स्टेटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल है और ये जो है यूजफुल है जहां पर जो रेट्स हैं आपके कोट किए जाते हैं टू अ क्लास ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर सिचुएशन तो इस मैथड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है प्योर प्रीमियम मैथड और दूसरा है लॉस रेशो मैथड तो जो प्योर प्रीमियम मेथड है एज पर दिस मेथड जो ग्रॉस प्रीमियम है वो सम होता है टोटल ऑफ प्योर प्रीमियम प्लस लोड चार्जेस का जो प्योर प्रीमियम है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल ऑफ एक्चुअल लॉसेस एंड लॉस एडजस्टेड एक्सपेंसेस विद नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स देन आता है आपका लॉस रेशो मेथड जो लॉस रेशो है वो रेशो होती है टोटल लॉसेस जो इंकर्ड हुए हैं इन क्लेम्स प्लस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द टोटल प्रीमियम्स प्रीमियम तो जो फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस रेशियो का वो है इंकर्ड लॉसेस डिवाइडेड बाय अर्ड प्रीमियम एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो 100 परसेंट माइनस लोडिंग परसेंटेज और रेट चेंज एक्चुअल लॉस रेशियो माइनस एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो Uh, अगर रेट चेंज होता है तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली हो जाएगा देन नेक्स्ट आता है आपका मैरिट रेटिंग जो बेसिस है प्रीमियम का अंडर दिस मेथड वो है क्लास रेटिंग लेकिन जो प्रीमियम है उसे एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर प्रोफाइल और जो उसका पास्ट क्लेम रेशियो रहा है उस कस्टमर का और इसे हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं सब क्लासीफाई कर सकते हैं इन शेड्यूल्ड रेटिंग एंड एक्सपीरियंस रेटिंग शेड्यूल फुल रेटिंग में जो प्रीमियम है वो एडजस्ट होता है ऑन दी बेसिस ऑफ लॉस एक्सपोजर वेयर एज जो एक्सपीरियंस रेटिंग है उसमें जो आपके प्रीवियस थ्री इयर्स का एवरेज है लॉस का उसे हम बेस लेते हैं फॉर प्रीमियम तो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीमियम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डबल इंश्योरेंस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच